लेकिन हमारी पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यकर्ता को जिसने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पूरी निष्ठा के साथ वर्षों बरस काम किया और आज भी उनकी कोई इच्छा नहीं, वैसा आदमी को टिकट पार्टी की ओर से दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राज्यसभा का चुनाव होना है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की तरफ से अनिल हेगड़े को आगे किया है और जिसको लेकर जेडीयू खेमे में खुशियों की लहर है। उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है उससे कार्यकर्ताओं में खुशियों की लहर है और कार्यकर्ता खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अनिल हेगड़े निस्वार्थ जेडीयू में कार्यकर्ता के हैसियत से कार्य कर रहे थे और आज भी जब उन्हें जेडीयू ने राज्यसभा का टिकट दिया है निस्वार्थ ही आगे बढ़ रहे हैं। खैर, सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान सुनिए। इसका तो बहुत बड़ा मैसेज है, मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है अपने आप में यूनिक निर्णय है। सामान्य तौर पे आजकल राजनीतिक दलों में ऐसा निर्णय होता नहीं है या बहुत ही कम होता होगा। अभी तो राज्यसभा में या MLC में किसी को भेजना है तो कई तरह की योग्यता, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता से जिसका कोई संबंध नहीं है, उनके पास पैसा है, बाकी और बाहुबली हैं, क्या क्या उन चीज़ों के आधार पर मोल जोल होता है और तब टिकट दिया जाता है। लेकिन हमारी पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यकर्ता को जिसने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पूरी निष्ठा के साथ वर्षों बरस काम किया और आज भी उनकी कोई इच्छा नहीं, वैसा आदमी को टिकट पार्टी की ओर से दिया गया है। इसका मैसेज हमारे नीचे के वर्कर्स में भी और आम जनता में बहुत ही अच्छा है। बोलने में, मांगने में, कहने में क्या दिक्कत है, लेकिन बाकी जो डिसीजन है वो डिसीजन है, अब उस पर क्या करें। अब उनकी बात पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अनिल हेगड़े को राज्यसभा का टिकट दिया है जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खुशियों की लहर है, कार्यकर्ता खुश दिखाई दे रहे हैं और अनिल हेगड़े लगातार निस्वार्थ जेडीयू के कार्यकर्ता के हैसियत से लगातार कार्य कर रहे थे, पार्टी को मजबूत कर रहे थे और आज जब राज्यसभा का टिकट अनिल हेगड़े को मिला है उसके बावजूद निस्वार्थ वो लगातार पार्टी को मजबूत करने में ही लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।